अब हम लोग का घर में ठेकुआ का परीक्षा चालू हो गया है, तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ये देखिए 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 कौन कौन ठेकुआ का आटा माख रहे, दिखा रहे इस बार कहाँ से सूरज उठा है, अनमोल अपने लग गए ऐसे फोन कर करके बुलावे पड़ा है कहा ही पंकज न है हो गया। और यहाँ पे बाजी फटाना हो रहा है, फटाओ करिएगा। अरे इन दोनों का खाना भी हो रहा है, साथ में बाजी फटाना हो रहा है। लगे रहो इंडिया, लगे रहो। ये देखिए देखो देखो हटेगा हटेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों को वेलकम करना भूल गई थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी छठ की हुई थी, फिर भी मेरी मम्मी बैठती नहीं है, हमेशा हम लोगों के साथ हाथ ही हाथ करते रहती है काम। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा भाई ठेकुआ का मतलब सामान मिला रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग सबको लग गए ठेकुआ बनाने के लिए, जो कि छठ पूजा में तो ठेकुआ बनाना ही सबके लिए मतलब एक आनंद का बात होता है। मतलब सब लोग एक जगह बैठ के ठेकुआ बनाना वो तो कुछ और ही अलग नज़ारा होता है। तो हम लोग सबको यहाँ पे ठेकुआ मतलब छाप रहे हैं, और मेरी माँ वहाँ आग में बैठ के सेक रही है। तो हम मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी हटो, हम कर दे रहे हैं, तो मम्मी बोली नहीं तुम लोग पहले छाप लो, पूरा छापना हो जाएगा उसके बाद हम हट जाएंगे, फिर तुम लोग करना। तो मेरी मम्मी हर साल ही मेरी मम्मी ही पहले पहले बैठती है, उसके बाद मम्मी को हम लोग जब हम लोग का सब हो जाता है इधर करना तो हम लोग फिर मम्मी को हटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा आदमी ठेकुआ बनाने के लिए बैठा, हम लोग जितना देर तक जगे हुए थे वो भी जगी हुई थी, सो ही नहीं रही। फाइनली सुबह हो गई है और हम लोग सुबह का अर्घ देने जाने के लिए सबको रेडी हो चुके हैं। और हम लोग सबको रेडी होने के बाद ही बच्चे लोग को उठाए, जो कि बच्चे लोग का तो इतना सुबह उठने का बात नहीं है, इसलिए उन लोग तो रोना धोना में लग गया। जैसे देखिए मेरी ये भतीजी भी रो रही है, और मेरा छोटा बेटा को भी उठाए थे तो वो भी रो रहा था। नहीं आज ठंडा नहीं, ना आज ठंडा नहीं, बारिश हुआ नहीं ना, बारिश हो जाएगा तो अरे तुम बारिश आ जाएगा तो मैं काम तमाम हेलो फोन कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, चल बेंजुआ लगा कहाँ गए ले छठी मैया की जय। नीचे पहने देखिए कितना ही करना पड़ा। Thank you.
ढोक गया ढोक गया, तो उधर में रख दिया गाड़ी। तो हम लोग अब आकरा घाट पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग का शाम के टाइम आते आते सूरज पूरा डूब गया था और छठ मैया का पूजा तो सूरज भगवान का ही होता है, तो इसीलिए हम लोग सुबह को जल्दी आए हैं। तो देखिए अभी तक सूरज भगवान नहीं उठे हैं। सुबह का टाइम सूरज भगवान का उठने का टाइम 5:45 में था, तो हम लोग बहुत पहले ही आ गए थे। प्राय हम लोग को एक घंटा जैसा वेट करना पड़ा था, उसके बाद सूरज भगवान अपना दर्शन दिए थे। और यहाँ पे पानी चाय खाना पीना सब चीज़ का व्यवस्था इन लोग करके रखते हैं। बच्चे लोग जैसे सुबह सुबह जिन लोग आते हैं तो बहुत बच्चे को भूख लग जाता है, तो वो लोग अपना बच्चे को यहाँ से खिला पिला देते हैं। लेकिन हम लोग का जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। हम लोग के बच्चे भी नहीं खाते हैं, और हम लोग यहाँ से वैसे में भी कुछ नहीं खाते, ज़्यादा से ज़्यादा चाय और पानी पीते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं सूरज भगवान जी का। आप देखिए फिल्म सूरज भगवान उठने वाले हैं, हल्का हल्का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम लोग की मम्मी है जो घाट पे जाएगी नहाने के लिए, अब हम लोग भी जाएंगे। मम्मी जब नहा लेती उसके बाद हम लोग जाते हैं सूप वगैरह लेके। देखिए हम बाटी हाथ में बाटी लेके चले गए हैं। अर्घ देने के पहले यहाँ पूरा फाका था, अब देखिए जैसे अर्घ का टाइम हुआ कितना भीड़ है अंदर में। अर्घ देने वाला सीन तो मतलब उठा ही नहीं पाए, इतना भीड़ था कि फ़ोन हाथ में ले ही नहीं पाए। तो अर्घ देने के बाद है ये, अर्घ देना हो गया, मम्मी लोग आके यहाँ बैठ गई है। यहाँ पे हो रहा है मेरी भतीजी लोग का मुंडन, जो कि मेरे छोटे भाई बड़े भाई दोनों का ही बेटी का मुंडन हो रहा है। तो मेरा जो नियम होता है पीसी को चूल लिया जाता है, वही मैं बैठ के कर रही थी। और मुझे नेक में ये साड़ी मेरी भाभी दी थी और पायल दी है, वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। और जो छोटी वाली भाभी दी वो भी सेम कलर का ही साड़ी है, तो वो भी मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले तो नहीं रोई, लेकिन लास्ट में ये रो रही थी। और छोटा वाला तो शुरू से ही, मतलब जो छोटा भाई का बेटी वो तो बैठी कि बस बहुत रोना चालू कर दी थी, बहुत रोई थी, उसको बहुत पकड़ वकड़ के मतलब मुंडन करवाना पड़ा था। अरे मुर्गा पकड़िए उसको, ये तो पहले ही शुरू कर दिया रे, अभी तो स्टार्ट है ना बोले। यहाँ पे मुंडन होने के बाद अब चुमाया जा रहा है, जो कि पांच औरत लोग को चुमाना पड़ता है। तो हम लोग वही चुमा रहे हैं सबको, हम लोग जितने यहाँ पे और मतलब लेडीज थे हम लोग सबको मिल के चुमा दिए हैं। तो यहाँ पे छठ मैया को विदा करके हम माथे पे डाला लेके अब चले घर के लिए।
और मेरे हस्बैंड जी बार बार पूछ रहे हैं कि ले 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 भारी लग रहा, आप ही लोग बताइए छठ मैया का डाला कभी भारी लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी नहीं सुने, वो ज़बरदस्ती मेरे से ले लिए, तो कैसा लगा।